धर्म का एक पार्ट होंगे है सेवा करना, जिहड़े कि असीं इत्थे कर रहे हैं। तो बहुत लोग तुहानूं मिलेंगे जिहड़ी गऊ गऊ नूं माता मानदे आ, मैं नहीं मानता, जिहड़ी गां नूं पूजा करदे आ, मैं नहीं करता। काफ़ी लोग इत्थे जिहड़े आंदे आ उह धर्म दे हिसाब नाल आ के काम करदे आ, बट असीं उहनां नूं बड़ा क्लीयर कहिंदे आ असीं सेवा कर रहे हैं, असीं बिल्कुल भी धर्म का काम नहीं कर रहे। पूरे इंडिया दे विच कोई भी गां नैचुरली डैथ नहीं मर रही, बिकॉज वो या प्लास्टिक खाका मर जाती है जां किसी एक्सीडेंट दे विच वो मर जाती है, तो नाल किसी बंदे नूं भी फिजिकल हार्म पहुँचा के जाती है। जिन्नी भी गावां ने उत्थे डैथ रेट बहुत ज़्यादा सीगा, तो मैनू वो चीज़ बड़ी ज़्यादा महसूस हुई कि एक्चुअली तुसीं शहर देखोगे तो डॉग लवर्स बहुत ज़्यादा ने, एनिमल लवर्स तुसीं कह सकते हो बहुत ज़्यादा ने, लेकिन जिहड़ी गावां नूं एक्चुअली हैल्प चाहीदी है और गौशाला जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि उत्थे दुधारू गावां पई हैं, तो जिहड़ी गां जिहड़ी दुध नहीं दे सकती जिन्हों एक्चुअली लोड़ है, कोई उन्हां दी हैल्प नहीं कर रहा। तो कोई भी गां हेल्दी है जां दुध देंदी है असीं नहीं लवांगे, असीं सिर्फ उही गां लवांगे जिहड़ी कि बुजुर्ग है जां बीमार है जां सट्टा लगी है। तो जिन्नी भी गावां हैगियां सारियां दे ढिड दे विच प्लास्टिक है, रस्सा है, बोरा है, वो भरिया पिया। इहदे नाल की होंदा है तुसीं कोई भी खाना खाते हो ना तुहाडे शरीर नूं पूरा लगदा नहीं, क्योंकि अद्धी थां ते उस चीज़ ने घेरी हुई है। साडा मेन परपस ये है कि जिहड़ी तुसीं कह सकते हो ना ओल्ड एज होम इंसानां वास्ते बनता है, असीं एक ओल्ड एज होम इत्थे चला रहे हैं। इत्थे अज कल ट्रेंड चल पिया नहीं जी असीं धर्म दे हिसाब नाल गां रखांगे जिहनूं असीं गऊ माता मंनदे। एक गऊशाला पहलां भी जदों बनी सीगी उहदा मेन परपस यही सीगा कि जिहड़ी गां बजुर्ग है जां बीमार है जां उहनूं सट्टा लगी है उहनूं आसरा देण वास्ते, उहनूं शेल्टर देण वास्ते बनी सीगी। बुजुर्ग नूं कोई सहारा नहीं दिंदा, जे कोई गां सड़क ते सट्टां लगी हैं कोई उत्थे जाके ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई जी ट्रीटमेंट इहो जिहा हुंदा तुहानूं इत्थे आ के करना पैंदा। मैं कई गावां तुहानूं दिखावांगा जिन्हां दे फ्रैक्चर लगे हुए है, वो बांह ही इन्नी टेढ़ी हो गई है, लत्तां ही उहनां दी इन्नियां टेढ़ियां हो गईआं कि असीं उह फर्दर कदी ठीक कर ही नहीं सकदे। जिन्ना मैनूं पता इह असीं एनिमल वैलफेयर दा काम कर रहे हां, गावां दी वैलफेयर वास्ते, उन्हां दे मेडिकल ट्रीटमेंट वास्ते, लेकिन जिन्नी भी गऊशाला बनदी है ना वो धार्मिक ट्रस्ट बनदी है। तुसीं इत्थे आओ, तुहानूं कोई गां दिखण चंगी लगदी है जां तुसीं साडे तों पुछ लो, वह गां तुसीं अडोप्ट करो, तुसीं रोज़ आ के मिलोगे सानूं सब तों ज़्यादा खुशी होएगी। तकरीबन 40 तों 45 इहो जी गावां ने इत्थे जिहड़ी अडोप्ट होई दी है। इत्थे कोई मैंबर नहीं हैगा, तुसीं सेवा करनी है जी सद के आगे करो, मैंबर बनना है तो फिर इतने बड़े कलेश पैंदे मैं देखे है जी, असीं वो चीज़ के हक के विच नहीं है, असीं एज अ फैमिली चला रहे हैं। मेरी फैमिली बहुत ने जिहड़ी मेरी हैल्प करते, इतने तुसीं जिन्नी भी पेंटिंग देख सकते हो, मेरी वाइफ ने एक बड़ा वधिया इनिशिएटिव किया सीगा जिहदे शहर च उन्होंने जिन्ने दोस्त सीगे मेरे जिन्ने दोस्त सीगे सारयां नूं बुलाया कि तुसीं जिस हिसाब की भी पेंटिंग कर सकते हो, तुहानूं जरूरी नहीं है तुसीं पेंटर होवो, ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਧੇਨ ਨੂੰ ਗਊ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਾਲਤੂ ਸਾਊ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਧਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਊ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਿੱਖ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ।
तो ये चीज़ सी जी असी सोसाइटी के फिर आइडेंटिफाई की कि जिनी भी गऊशालाज बनी है उन्होंने गावों उस हिसाब न रखे वो दुध भी लै रहे हैं वेच भी रहे हैं और डेयरी फार्म की तरह यूज़ भी कर रहे हैं तो जिहड़ी गावं सड़क पर तुर रही हैं मैं कहांगा रुल रही हैं उन्हां दी सेवा नहीं कर रहे तो यह सानू ऑपरचुनिटी मिली तो अभी उन्होंने टेकअप किया धर्म का ही कोई एंगल कभी सोचा भी नहीं तो ना कभी मन च आया जी जी सो जिमें कि मैं सुनिया कि तुहाडे वल्लों या तुहाडे नाल जिहड़े वलंटियर्स जुड़े ने इत्थे या स्टाफ जुड़िया होया इत्थे जो गावां रखियां जांदियां ने या इहनू जिमें कोई भी काम करन दा एक उद्देश हुंदा है तो इस गऊधाम दे विच काम करन दा एक उद्देश है जो कि बाकी दियां गऊशाला नालों वक्खरा है वह की है मैं चाहनी हूँ थोड़ा जिहा तुसीं उहदे ते जरूर लाइट पाओ मैम सब तो पहला जे तुसीं ट्रडिशनली भी देखोगे ना एक गऊशाला पहला भी जदों बनी सीगी उहदा मेन परपज यही सीगा कि जिहड़ी गां बजुर्ग है जां बीमार है जां उहनूं सट्टां लगी है उहनूं आसरा देण वास्ते उहनूं शैल्टर देण वास्ते बनी सीगी। इह ते अजकल ट्रेंड चल पिया नहीं जी असीं धर्म दे हिसाब नाल गां रखांगे जिहनूं असीं गऊ माता मंनदे हां बिकॉज़ काफ़ी गावां इहदे च ने जिहड़ी कि वलैती तुसीं कह सकदे हो उहदी ब्रीड दे हिसाब नाल उह गऊ माता भी नहीं मन्नी जांदी ते उह गऊशालाज उहनूं भी नहीं रखदे जिहड़ी कि डेयरी फार्म दे विच गावां जांदियां। तुसीं एक चीज़ देखो एक गां डेयरी फार्म दे विच पैदा हो रही है अजकल इंडिया दे विच कोई भी गाय यह नहीं कि बाहर तुहानूं कितें मिल जाएगी डेयरी फार्म दे विच पैदा होंदी है 150 तो या 2 साल की उम्र दे विच उहनूं आर्टिफिशियली प्रैगनेंट कर दिता जांदा है इनसेमिनेशन दे द्वारा तो उस तो बाद एक साइकल दे विच पै जांदी है कि हाँ जी दुध दिओ बच्चा पैदा करो दुध दिओ बच्चा पैदा करो तो 8 साल की उम्र तक गां ये चीज़ कर पाती है। उस तो बाद होंदा की है उहदी दुध की प्रोडक्शन इन्नी घट हो जाती है कि वह गां एक लाइबिलिटी बन जाती असैट नहीं रहिंदी फिर वो जिहड़ा डेयरी फार्मर है गां नूं बाहर कढ दिंदा बाहर छड दिंदा बाहर सुट दिंदा जिहड़ा कि अगेन इलीगल चीज़ है बट उहनूं वारा नहीं खांदी। प्रैक्टिकली मैं तुहाडे नाल गल करां हुण एक गां जिन्ने अपनी सारी जिंदगी एक कमरे विच गुजारी उहनूं खाना मिलदा ही उहतों इंजैक्शन ला के उहदा दुध कढ के लै जांदे सी उह गां नूं सड़क ते तुसीं समझ लो तुसीं छड्डता उहनूं पता ही नहीं खाना किधरों मिलना उहनूं फिर जदों स्मैल आउंदी है कूड़ेदान वल जांदी है उधरों कूड़ा खाती है क्योंकि उहदे च उहनूं खाना थोड़ा बहुता मिल रहा उस प्रोसैस दे विच उह रस्से बोरे प्लास्टिक सारा कुछ खा के अंदर लंघाई जा रही है तो इस गां दा तुसीं एंड देखो मैं एक गां दी नहीं गल कर रहा पूरे इंडिया दे विच कोई भी गां नैचुरली डैथ नहीं मर रही बिकॉज वह या प्लास्टिक खा खा मर जाती है जां किसी एक्सीडेंट दे विच वह मर जाती है तो नाल किसी बंदे नूं भी फिजिकल हार्म पहुँचा के जाती है जिथे असी आने ये चीज़ असी आइडेंटिफाई की कि कोई भी योजा काम नहीं कर रहा तो असी मेन परपज ही अपनी गऊशाला का ये रखता कि इतने कोई भी गां हेल्दी है जां दुध देंदी है असी नहीं लवेंगे असी सिर्फ उही गां लवेंगे जिहड़ी कि बुजुर्ग है जां बीमार है जां सट्टा लगी है तो उहनूं असी बहुत प्रोफेशनली चला रहे हैं। देखो जदों तुसीं गऊ माता मन के करदे हो तो तुहाडे इमोशनस बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं साडे इमोशनस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं लेकिन असी जदों प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं प्रोफेशनली मैं कहांगा काम कर रहे हैं क्योंकि अभी इकलौती गऊशाला जिन्ने कोई डॉक्टर रख्या होया पैरावेट साडे कोल इत्थे 24/7 अवेलेबल है राती 3 बजे भी कोई केस है असी उहनूं मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं कितने बाहर इहो जी चीज़ नहीं हो रही तो मैं समझदा कि हटके काम करना चाहते सीगे जिहड़ा असी इत्थे कर पा रहे हैं तो हौली हौली जदों लोगों को अवेयरनैस मिलती है तो वह साडे नाल जुड़ भी रहे हैं जी। सो जिवें तुसीं कहा कि कोई भी दुधारू या तंदुरुस्त जिहड़ी हैगी है गां असीं इत्थे नहीं रखदे ते फिर किहड़ियां गावां रखदे हो और की रहिंदा हैगा उहनां नूं पक्के तौर ते तुसीं रखदे आ? मैम तीन चीज़ां बुजुर्ग होनी चाहिए है जां बीमार होनी चाहिए है जां उहनूं सट्टां लगियां होनी चाहिए बिकॉज़ साडे कोल एक्सीडेंटल केसिस पूरे अमृतसर दे विच भावें कारपोरेशन दे होण भावें किसी ने भी फड़े इवेंचुअली साडे कोल ही आंदे बिकॉज़ वह मेडिकल ट्रीटमेंट इस वेले अमृतसर दे विच असीं दे रहे हां जे तुसीं कोई कॉलेज भी चल जाओगे उत्थे भी नहीं सुविधा नहीं हैगी जिहड़ी असीं इत्थे प्रोवाइड कर रहे हां। दूजी चीज़ साडा मेन परपज़ इह है कि जिहड़ी तुसीं कह सकदे हो ना ओल्ड एज होम इनसानां वास्ते बनदा असीं एक ओल्ड एज होम इत्थे चला रहे हां जिहदे विच गां जदों तक जीवित है उहनूं असी एक क्लीन एनवायरमेंट देना चाहते हैं उहनूं साफ खाना देना चाहते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट जिहदी उहनूं लोड़ है तीन चीज़ां असी उहनूं प्रोवाइड कर रहे हैं जदों तक अपाहिज आ या, है ना? हाँ अपाहिज भी तुसी कह सकते हो या जिहड़ी बुजुर्ग हो गई है उहनूं भी मैं मेडिकल ट्रीटमेंट लगता तुसी एक चीज़ मन के चलो इत्थे जिन्नी भी गावां हैगियां सारियां दे ढिड दे विच प्लास्टिक है रस्सा है बोरा है वह भरिया पिया इहदे नाल की होंदा तुसी कोई भी खाना खांदे हो ना तुहाडे शरीर नूं पूरा लगदा नहीं क्योंकि अद्धी थां ते उस चीज़ ने घेरी हुई है पहली चीज़ है। दूजी चीज़ इहो जी चीज़ां होण करके तुहानूं वैसे ही तुहाडी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है तुहानूं बीमारियां भी बहुत लगदियां तो सारियां नूं मेडिकल ट्रीटमेंट की लोड़ पैंदी है तो यही चीज़ असी देखदे तुसी देखो 270 मैं इस वेले इत्थे कर रहा शहर दे विच घट्टो घट 500 होर होणगियां तुसीं अज्ज नवीं गऊशाला बना दो 500 उत्थे शिफ्ट हो जाणगियां फिर भी शहर च होर हौली हौली वध के आई जाणगियां क्योंकि डेयरी फार्मर रोज़
गावां नूं बाहर सड़क ते सुट रहा, छड रहा, कढ रहा। सो तुसी जिवें कहा कि डेयरी फार्मिंग ते गऊशाला दे विच या गऊधाम दे विच हुण कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा हैगा, ते तुसी इत्थे जिहड़ा है मिल्किंग दा काम या ब्रीडिंग दा काम भी नहीं रख्या हैगा, तां इहदा की रीज़न सी? मैम दो चीज़ा, एक गां तुसीं एक वारी जे तुसीं चक्कर भी मारोगे ना, असीं मेल गां वक्री रखी है, फीमेल गां वक्री रखी है। इनफैक्ट असीं उन्हां सारिआं दे टैगिंग कीती हुई है, फीमेल नूं ग्रीन कलर दा टैग दिता है, मेल नूं ओरेंज कलर दा टैग दिता होया। असीं उह वक्री इस करके रखदे हां कि उह नैचुरली इत्थे रीप्रोडक्शन ना करन। एक गां दा बच्चा जिहड़ा कि बिल्कुल हैल्दी फिट एंड फाइन है, वह 12 साल तक इत्थे रहेगा। जे मैं उसी थां ते कोई बुजुर्ग नूं रखदा, वह बुजुर्ग 2-2 साल भी जे इत्थे साडे कोल कढदा, बिकॉज़ उन्हां दी एज इन्नी की लास्ट करदी है, वो 2-2 साल करते, मैं 12 साल 6 गावं घट्टो घट रख सकता। मेरा मेन परपज़ यही है कि मैं ब्रीडिंग नहीं करना चाहता, ब्रीडिंग तो सारे कर रहे, अभी वक्रा की कर सकते हैं वो चीज़ जी कोई नहीं कर रहा। बुजुर्ग नूं कोई सहारा नहीं दिंदा, जे कोई गां सड़क ते सट्टां लगी हैं, कोई उत्थे जाके ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई जी ट्रीटमेंट यहोजा होंदा तुहानूं इत्थे आके करना पैंदा। मैं कई गावां तुहानूं दिखावांगा जिन्हां दे फ्रैक्चर लगे हुए है, वह बांह ही इन्नी टेढ़ी हो गई है, लत्तां ही उन्हां दी इन्नियां टेढ़ियां हो गई कि असीं वह फर्दर कभी ठीक कर ही नहीं सकते, ना ही कोई इहो जिहे प्रोसीजर ने जे हैगे ते इन्ने एक्सपेंसिव ने कि असीं उहनूं फॉर द टाइमिंग रहन दिंदे आ। सो जिवें तुसीं दस रहे सी कि इधर तुसीं मिनी हस्पताल वांग जिहड़ा है बनाया होया, और इस वेले किन्नियां गावां ने और किन्नियां बीमार ने और किस परपज़ नाल तुसीं रखियां होईयां? मैम जिन्हां नूं ते इमीजिएट ट्रीटमेंट चाहिए ICU वांगू, वह असीं इत्थे रखदे हां। ट्रीटमेंट तो बाद कईआं दी सट्टां ते रह जांदियां, बट उस तो बाद वो जे उन्हां नूं ICU दी लोड़ नहीं हैगी ते असीं उन्हां नूं फर्दर शिफ्ट कर सकते हां। जे तुसीं अगले वाड़े भी देखो कईआं दी अखां दे विच इह गां जिहड़ी है बिल्कुल भी तुर नहीं सकदी हैगी, इहदे पैर इहदा मैम तुसीं परले पासे देखोगे ते इहदा एक्सीडेंट होया सी, पिछे इहनूं कोई गड्डी वज्जी 100%, जिहदे करके इहदे अगे भी चोट लगी, ते उह जदों साडे कोल गां आई उदों तक इहदा इन्ना कम हो चुका सीगा कि हुण तुसीं फ्रैक्चर भी लगाओगे ते बहुता प्रॉपरली इह ठीक नहीं हो सकदी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 24/7 ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਜ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 212 ਦੀ, ਅਸੀਂ 270 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਕਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕੋਂ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਧਾਮ ਟਰੱਸਟ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਰੀਗੇਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਤ੍ਰੇਆ ਦਾਦਾਸ਼੍ਰੀ ਜੀ, ਹੀਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਸਟਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਫਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ
बाद चो आंदा ते असी जे अध्यात्मिकता दी तौर जे राह ते जदों असी तुरदे आ ते इहो जे जिहड़े धर्म दे करके जिहड़े बॉर्डरस बनदे आ बैरियर बनदे ये ऑटोमैटिकली मैं समझदा खुल जाते हट जाते मिट जाते सानू इस चीज़ के बड़ी हैल्प मिलती है। जे मैं छोटा होंदा जे मैं उन्होंने ना मिलिया होंदा तो शायद मेरे माइंड के बैरियर रह जाता बट इस वेले कोई नहीं हैगा ते मैं जिन्हें भी लोगों नू मिलदा वो हो सकता अपने धार्मिक मुद्दे नू लैके आए हो असी कभी उन्होंने उस चीज़ नू लैके डील भी नहीं किया कि हाँ जी तुसी धार्मिक हो तुहाडा धर्म का काम है तुसी आके करो असी कहने ही चंगा काम कर रहे हैं तुहानू चंगा लगता साडे नाल आके प्लीज़ जुड़ो बिकॉज इत्थे खर्चा बहुत ज़्यादा है। जे मैं तुहानू तुहाडा मैं एक सवाल पूछ सकदा इत्थे 270 गावां ने एक गां का एक दिन का खर्चा तुहाडे हिसाब नाल किन्ना होएगा उहदे तुसी इहनां दा खाण पीन भी पाओ ये थां की मेनटेनेंस अपकी भी पाओ इत्थे बिजली का बिल आंदा पानी का बिल आंदा इत्थे दवाइयां का खर्चा आंदा असी तकरीबन 13 to 14 सेवादार रखे जिहड़े कि सारे पेड ने असी किसी तो फ्री का काम नहीं लै रहे साढ़े कोल डॉक्टर भी है साढ़े कोल पैरावेट भी है साढ़े कोल गार्ड भी ने अकाउंटेंट भी है मैनेजर भी है सारा कुछ पा के तुम मैं दसो जिस तरह घर चलाई असी यह गऊ धाम घर के हिसाब से चला रहे हैं तो एक सदस्य एक गां पिछे तुहाडे हिसाब नाल किन्ना खर्चा होएगा तकरीबन कोई 500-600 तक का 500-600 तक तुम मन रहे हो मैं तुम्हें बड़ा क्लीयरली कह रहा मैं बड़े प्राउडली कहना पूरे इंडिया के मैं समझना सब तो सस्ती गऊशाला चला रहा एक गां के पिछे सिर्फ 100 रुपये का खर्चा एक दिन का हूँ 270 के नाल जो तुम 100 रुपये मल्टीप्लाई करो एक दिन का 27,000 का खर्चा तो यही चीज़ में जो तुम 30 दिन क्योंकि 30 दिन होंगे है ऑन एन एवरेज एक महीने के जो तुम उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे तकरीबन 8-8.5 लाख का खर्चा जरा सू महीने पूरा करना पैंता जे नहीं कर पाते तो सू फिर कोलों भी पाना पैंता बिकॉज इतने काम रोकया नहीं जा सकता तुम कभी यह नहीं कह सकते गावों को खाना नहीं पाया क्योंकि साढ़े को पैसे नहीं है। सो कभी इदा नहीं होया कि धार्मिक एंगल दिता जा सकता वो डोनेशन के बेनीफिट हो इच्छा नहीं है ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ 8-10 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਧਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 8-10 ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਜੁੜਨਗੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਏਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਰਟਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਗੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਥ ਰਿਚੁਅਲਸ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਬੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
तो वह चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साड़ी कोशिश यही है कि एक मॉडल असी तैयार किया कि अभी हम सरकार तो रिक्वेस्ट की है कि इतने गोबर गैस प्लांट लगे जे वह लग जाता तो जिन्हें भी गोए तो गोबर गैस बनेगी वो तो असं इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं क्लीन एनर्जी आवे तो जे गां साडे कोल इलैक्ट्रिसिटी बचती है बाहर के जिहड़े कोई स्ट्रीट लाइट्स ने चलान सानूं कोई गल नहीं हैगी अं तो चाहते हैं कि जिन्हें वध तो वध लोगों की हेल्प करिए कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन्ना भी गोया अज तक अभी कभी सेल नहीं किया फॉर द टाइमिंग असी सीवरेज के भी नहीं पाते गोया अं बाहर कट के रखते हैं कोई भी इतने आले दुआले फार्मर्स ने किसी को चाहिए अं फ्री ऑफ कॉस्ट देने बस वो चुकते अपने आप ने सो जिवें ये सारिया गावां ने जिहड़ियां कोई भी गऊशाला दे विच आउंदियां ने तां उहनां दी इक्को ही कहानी हुंदी है कि वह पैदा होईयां उहनां ने दुध दित्ता जदों वह दुध देना बंद हो गया तो उहनां नूं घरों कढ दित्ता गया पर तशद्दुद दी कहानी वक्खो वक्खरी हुंदी है किस तरह का तशद्दुद चों तुहानूं लगदा है वी इह गावां लंघ के तुहाडे कोल आईयां ने या किस तरह के नाल मतलब ये रोड्स तक पहुँचियां ने कि ये गऊशाला या डेयरी फार्मिंग या किवें किस तरह नाल इहनां दी इह हालत है। मैम देखो सब तो जे तुसीं पिछे जाओगे ना तो मेन कारण है ग्रीड सानू दुध चाहिए अही तो जिहड़ा डेयरी फार्मर है उन्होंने पैसा चाहिए एक हिसाब नाल तुसीं देखो ह्यूमन नेचर है मैं समझदा कि जे उहदे शूज़ दे विच तुसीं जाके देखोगे उन्हें भी अपना घर पालना लेकिन एक गां नूं तुसीं एक कमरे में कैद करदा क्यों क्योंकि तुहानूं दुध चाहिए उत्तों उस तो बाद तुसीं उहनूं रोज़ प्लास्टिक उहनूं तुसीं टीके ला दिओ दिन दे विच दो टाइम ताकि दुध थल्ले आए तो वह दुध उहदा कढ़िया जाए जां उहदी दुध दी जिहड़ा उत्पादन है वह वध जाए एक हिसाब नाल मैं इहनूं एनीमल क्रूएल्टी मलदा ये एनीमल क्रूएल्टी असी कर क्यों रहे क्योंकि एक तो सानू टेस्ट दुध का टेस्ट अभी जिन्हें भी दही भी सानू चाहिए घ्यो भी सानू चाहिए जिन्हें भी डेयरी प्रोडक्ट्स ने वो दुध तो ही आते हैं इवेंचुअली तो एक तो वो चीज़ आ गई कि असी ग्रीड के पिछे कर रहे हैं जिदे करके सानू एनीमल क्रूएल्टी के विच जाना पै रहा है तो उस तो बाद जो डेयरी फार्मर नू फायदा नहीं मिलता वो बाहर कढ़ दिंदा है तो उस करके गां इत्थे आंदी है। हुण तुसीं देखो ना जदों नॉन वेज भी कोई खाता उस स्लॉटरिंग तो करनी पैंदी ना तुसीं पहली बारी जे तुसीं किसे मुर्गे नू भी वटदे हो मैं समझदा कि तुहानूं पहली बारी दो तीन बारी तुहानूं माड़ा लगेगा उस तो बाद तुसीं कहोगे कि नहीं यार हुण ठीक है मैं भी घर पालना मैं भी फैमिली पालनी है तो वो चली जांदा जी मैं उहदे कोई गलत नहीं समझदा कोई कर रहा तो उहनां दी इच्छा बट अही काम चंगा करना चाहुंदा ये मैं मंनदा ते जिहड़े चंगे लोग ने मैं चाहुंदा वो जुड़न जिन्ना वध तो वध इहदा प्रचार किया जा सके कोई बंदा आम भी है वो कहना कि तुसीं मैं तुहाडी हैल्प किस तरह कर सकदा तो अही उहनां नूं कहिंदे पंज तरीके ने जिहदे नाल तुहाडी तुसीं साडी हैल्प कर सकदे हो इक आ जांदी डोनेशन इन कैश एंड इन काइंड। इन कैश का मतलब है कि जी तुसीं अज 5000 देगे 10000 देगे 20000 देगे 500 देगे महीने का तुसीं कोई फिक्स बन लिया क्योंकि मैनूं 8-8.5 लाख रुपया महीने का चाहिए जे तुसीं मैनूं कमिट कर लिया जी मैं महीने का 1000 रुपया तुहानूं दवांगा या दवांगी तो मेरे को पक्का है कि हाँ यार इधरों तो मैनूं घट्टो घट आएगा। दूजा असीं कहिंदे डोनेशन इन काइंड डोनेशन इन काइंड का मतलब जिस तरह अं अजकल तूड़ी लै रहे हैं तूड़ी अं नहीं परचेज की तुम परचेज करके सूँ देती दवाइया तुम्हें नहीं परचेज असी नहीं कीती तुम साढ़े तो डिटेल लैके तुम सूँ दवाइया सीधिया परचेज करके दे गए इस तरह की इनू आप कहने डोनेशन इन काइंड। दूजी चीज़ आ जाती है डोनेशन बॉक्सिस असी बड़े वधिया सोने छोटे डोनेशन बॉक्सिस बनवाए असी चाहते हैं कि कमर्शियल एरियाज के लगन जिथे कि फुटफॉल हैगी है शोरूम्स है इंस्टीट्यूट्स है जिथे फुटफॉल वध आती है तो कोई सानू उत्थे डोनेट भी करे एक डोनेशन बॉक्स पिछे सानू महीने का 500 भी आता है जे 1000 डोनेशन बॉक्स लगा पाने महीने का 5 लाख रुपया तो उधरों ही आ जाएगा ना तो मैनू तो फिर गां सिर्फ 3-3.5 लाख की ही देखण की लोड़ पैगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि तुम जे दोवें चीज़ा नहीं कर सकते तो लाइक माइंडेड लोगों ना मिलाओ कि जिन्हों सेवा भाव हैगी है जिहड़े कि साडे कॉज नाल जुड़दे आ सानू उन्हां नाल मिलाओ की पता वो हैल्प कर पाउण। चौथी चीज़ आ जाती है जस्ट स्प्रैड अवेयरनैस इतने काम हो रहा किसी चाहिए आके देखो जी। फिफ्थ चीज़ आ जाती तो कुछ भी नहीं कर सकते आप हिंदी श्रमदान कहने फिजिकल सेवा तुम आके कर सकते हो साफ सफाई साढ़े इतने लोड़ पैंदी है गावों खाना पाने की लोड़ पैंदी है डॉक्टर नूं कदी एक बार हेल्प पै जाती कदों आपां रेस्क्यू करन जाने उत्थे फिजिकल हेल्प चाहिदी होंदी है ते साडे नाल लोग असोसीएट कर सकदे आ जिवें तुसीं कहा कि फिजिकली सेवा भी आके कर सकदे हैगे आ ते लाइक अपने इत्थे जिवें तुसीं भी देखिया कि गां दे नां दे उत्ते दंगे भी हो जांदे ने फसाद भी हुंदे ने गऊ साडी माता इस तरह के नारे भी आउंदे ते किन्ने क लोक इत्थे तुहाडे नाल जुड़े जो तुहाडा हुण तक दा तजर्बा रहा जिहड़े वाकई इत्थे आ के बड़ा तुहानूं लगदा कि हाँ बड़े सेवा भाव दे नाल आउंदे ने जा के कदी होया कि इत्थे कोई फैमिली टाइम स्पेंड करन आई होवे जां किसी ने बर्थडे मनाया होवे। मैम ये चीज़ ना असी प्रमोट करन दी कोशिश कीती है इनफैक्ट एक गां दा मैं तुहानूं दस्सिया एक दिन का खर्चा सिर्फ 100 रुपए है महीने का 3000 साल का 36000 तो असी एक प्रोग्राम तुसीं कह लो इनीशिएटिव असी अपने वालों प्रमोट करन दी कोशिश कीती है जिहदा नाम है अडोप्ट अ काओ तुसी इत्थे आओ तुहानूं कोई गां देखण चंगी लगती है जां तुसी साडे तों पुछ लो
वो गाँव तुम अडोप्ट करो, मैं नहीं कह रहा घर लैके जाओ, बट वो जी फाइनैशियल नीड है साल की जो तुम किस तरीके पूरी कर सकते हो तो वह गाँव कोई नाम दो कोई इतने टंग ना जाते हो नाम वो तो वह भी तुम कर सकते हो। तुम रोज़ आके मिलोगे सानू सब तो ज़्यादा खुशी होएगी। तकरीबन 40 से 45 यहोजी गावं ने इतने जी अडोप्ट हुई दी है, लोग आके मंथली या एक बार आते हैं, 2 महीने एक बार आते, लेकिन सानू डोनेशन रेगुलर भेज रहे उन्होंने सिर पर असी वो गावं की जी सेवा वो पूरी कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव देखते हुए कई मेरे दोस्त ने जिन्होंने अपनी डॉटर के नाम से की है, अपने सन के नाम से की है, उन्होंने बर्थडे भी आके मनाते, सानू ये चीज़ बड़ी चंगी लगती बिकॉज असं एज अ फैमिली चला रहे हैं। तो चंगे वेले दे घर कोई एनीवर्सरी आई कुछ आई, मेरे दोस्त ने अमित शर्मा जी उन्होंने फैमिली किसी का बर्थडे होंगे किसी की एनीवर्सरी होंगी है वो इतने आके 11,000 डोनेट करके जाते, सानू वो जी चीज़ बड़ी चंगी लगती है। अभी तो वो तो वह लोगों को कहें कि जे तुसी तुहाडा कोई चंगा दिन आया सानू ना भुलो क्योंकि इतने 270 ने जिन्होंने लोड़ हैगी इस चीज़ की। सो दोस्तों ये सन साडे नाल सुख अमृत जी जो कामधेनु गऊधाम के विच तमाम सेवावां कर रहे हैं, नौजवान मुंडियां की एक टीम हैगी है और गावां दी सेवा दा जिम्मा चुकिया आ। और असी हमेशा ही देखते हैगे कि गां दे नां दे उत्ते बहुत ज़्यादा राजनीति हुंदी हैगी है पर उन्हां दी हालत कदे नहीं सुधरदी। इन्हां ने एक पहलकदमी कीती है कि जो बीमार या बजुर्ग गावां ने या जो जख्मी ने उन्हां नूं इत्थे रख के उन्हां दी टेक केयर करदे ने और जेकर ठीक होण तों बाद उन्हां दे जो मालक ने उह लै के भी जाणा चाहुंदे ने लै के भी जा सकदे ने, नहीं तां बिरध होण तक उन्हां दी सेवा जिहड़ी है उह इत्थे कीती जांदी हैगी है। सो एक अच्छी कोशिश है और असी कोशिश की उस कोशिश नूं तुहाडे रूबरू लैके आउण दी। इहदे लई तुसी जुड़े रहो रोज़ाना स्पोक्समैन टीवी दे नाल, अजिहियां कहानियां दे तुहानू रूबरू करवाउंदे रहांगे। फिलहाल मैनू अरपन कौर नूं सहयोगी कैमरामैन सनी दे नाल दिओ आग्या, धन्नवाद।